हेलो एवरीवन, आज के स्टूडियो में हम पढ़ने वाले एक न्यूमेरिकल ऑन पावर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, इफ द टोटल पावर कंज्यूम बाय सर्किट इज 30 वाट देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। ये सर्किट आपको यहाँ पे दिया है, पावर सप्लाई 10 वोल्ट का, और ये जो सर्किट है या फिर ये जो गिवन असेंबली है रेजिस्टेंस की, यहाँ पे टोटल जो पावर कंजम्पशन है वो है 30 वाट का। तो आपको फाइंड करनी है यहाँ पे आर की वैल्यू, राइट? तो अब अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिर से पावर के तीन फॉर्मूलेज होते हैं। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला होगा P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू आई आर, सॉरी आई स्क्वायर आर। और तीसरा फॉर्मूला होता है वी आई। ये हमारे पास तीन फॉर्मूले पावर्स के। अब डेटा क्या गिवन है उस पर डिपेंड है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे अगर आप लोग देखते हो, आपको पावर दिया, वोल्टेज पता है, और रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू हम लोग यहां पे फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहां पे हमारा पहला फॉर्मूला यूज होगा, राइट? तो यहां पर मैं एक चीज बता दूं, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए फॉर्मूले। सो दैट ये तीनों अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप लोग डेटा का यूज करके कोई भी फॉर्मूला लगाकर आप लोग आराम से आंसर फाइंड कर सकते हो। नाउ सर्किट की तरफ अगर देखते हैं हम लोग, तो सर्किट में दोनों रेजिस्टेंस किस टाइप से कनेक्टेड है? डेफिनेटली पैरेलल कनेक्शन है, राइट? और पैरेलल कनेक्शन के लिए हमको इक्विवेलेंट वैल्यू पता होती है। सो मैं पहले इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड कर लेता हूं यहां पे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/R, क्योंकि यहां पे एक रेजिस्टेंस 5 ओम है और दूसरे की वैल्यू R है, जिसके हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि आंसर पता। सो यहां पे R प्लस 5 डिवाइड बाय 5R, दैट इज 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5R डिवाइड बाय R प्लस 5। ये होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा था कि यहां पे हम लोग पहला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू, नाउ V कितना है वो दिया है आपको 10, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 10 स्क्वायर। रेजिस्टेंस यहां पे ये जो R है विच इज इक्विवेलेंट आर, तो ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 5R डिवाइड बाय R प्लस 5। और पावर कंज्यूम, ये जो सर्किट है ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा था, 30 वाट, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 30। देन हमें जैसे पता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर, तो यहां पर हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे। पहले तो 10 स्क्वायर मतलब होगा यहां पे 100 इंटू आर प्लस 5 डिवाइड बाय 5R। तो चलो शिफ्ट कर देते हैं यहां पे इसको। अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा 30 × 5R इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 100R + 500, राइट? इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 150R = 100R + 500, क्योंकि मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी है। ये R, ये जो वैल्यू है 100R, मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं। सो 150 - 100 दैट इज 50R इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 500। एंड फाइनली R इज इक्वल टू हो जाता है 500/50, सो इट इज 10 ओहम। तो इस तरह से हमको R की वैल्यू मिल जाती है विच इज इक्वल टू 10 ओहम, राइट?